चाहिए था, ज्यादा समय वहाँ रुक नहीं था। देख रहे हो मैं बोल रहा हूँ ना कि रोड चेंज है, लिफ्ट से बैठ के वहाँ से गाड़ी थोड़ा सुधर कराया ना, ऐसे दो रोड था वहाँ से नीचे से लगी, नीचे से नीचे तो आ गए, पर रास्ते में ना दो लड़के उल्टी कर दिए थे ना, तो उससे और मूड खराब कर दिया, लग रहा था मेरा भी पलटी हो जाएगा, पर मैंने कुछ खाया नहीं था, फुल्की खाया था तभी भी हो रहा था पलटी है जैसा, पर पलटी नहीं हुआ और नहीं हुआ तो अच्छा ही ना है, और इतना मतलब सर दर्द करा ना कि पूरा घुटना दे नहीं अरे एकदम आ रहा है साला, इतना वाइब्रेशन साली गाड़ी करती है पता नहीं क्यों कितना वाइब्रेशन करता है, किसी का समझे नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कुछ खाएं या चलें सीधे, पैसा तो एक भी रुपया नहीं बचा है, सारा खत्म हो गया। देखो सारे खा रहे हैं बैठकर, इधर भी वहां पे बन रहा है, सही उसमें से उतरा, खाना खाया, खाना खाने के बाद बर्तन भी कुछ थोड़ा सा वहां पे मैंने बर्तन भी भिजवाया उन सबका, तो उतना सबको मैंने बर्तन भी थोड़ा बहुत धुलवा लिया, खाना पहले अगर लंगर चल रहा है ना खाना खाओ या खाने से पहले थोड़ा बहुत उन सबको मदद कर दो और फिर खा लो, और यहाँ पे टंकी भी तेल भरा रास्ते में आते हैं आपसे पता निकले, और मैं अब सोता ही घर जाऊँगा, और चलो घर मिलेंगे या चलो आजकल फ्रेंड ने स्विफ्ट फिल्म तब चले भाई घर 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 की वीडियो घर देखेंगे, ठीक है चलो फिर रुकिए, जैसे देख सकते हो आप पीछे पिकअप लगा है ये वाला, ठीक है ये वाला, तो यहाँ पे हम पी रहे हैं बन्ना का रस, तो मैं आया था तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसे मोबाइल पैसे था, मैंने बोला कि फ़ोन पे आप रखें, तो बोलेंगे नहीं वो मेरे पास नहीं है, तो फिर ये कह रहे हैं कितने रुपये बना रहे हैं, चलो मिलो, तो यही आप लेकर आए, तो चलो यहाँ से पी लेते हैं, फिर पीने के बाद फिर देखेंगे, जब टंगी पर समय उठाना फिर उसके बाद से जगह ही आया हूँ बैठ कर आराम से। आधा से ज़्यादा बर्फी था उसमें, तो उसमें नमक और रस कर देंगे, गन्ना का रस तो पी लिया और इसमें नींबू भी डाला था, और जो नमक था ना नमक का तो स्वाद तो थोड़ा भी नहीं आ रहा था, सेला नमक था उससे मतलब अच्छा डर लगता है, और कुछ नहीं बस, यहाँ पे मछली भी बेच रहे हैं सब, दिखाऊँ देखो इधर पास ही में देख रहे हो लगे ही है मछली, जिसको खानी हो खा लो जाकर, पर इस समय में नवरात्र चल रहा है हम लोग नहीं खाएंगे, गुरुद्वारे के पास यहाँ पे गुरुद्वारा है तो नो पार्किंग है, हमारा माइक है भाई रहा तो नो पार्किंग में भी गाड़ी खड़ी कर दिए हैं, और पता नहीं ये वाली गाड़ी कहाँ कहाँ यार चलती है, इससे मैंने इसका मैंने फोटो खींचा था, देखो ये वाली जा रही है वाली, इसी को बोल रहा हूँ, पता नहीं ये की है कि इसमें से कोई कई किस्म की गाड़ी होगी मुझे नहीं मालूम, पर बोल रहा हूँ मैं पता नहीं ये कहाँ कहाँ जाती है, चलो सही कंधा चल बस सर, तो गुरुद्वारा में जा रहे हैं अभी हम, तो फर्स्ट गेट ही है ये देख सकते हो पीछे मेरे बड़ा है, तो यहाँ से हाथ धोएंगे, और कपार पर तो मैं टोपी लगाए रखा हूँ तो अपना कपार बांध रहा है, ठीक है चलो अच्छे तरीके से मुंह धो लेते हैं, ठीक है धोकर घुसा अंदर ना, तो बोल रहा है टोपी निकाल कर आओ, ठीक है तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं गमछा लेकर ही बांध कर चले हम, अब लग रहा हूँ ना एक नंबर हो, क्या बोलते हैं किसान, तो मैंने ले लिया, चल कोई ना अब तो चले पर मिला लाइक
पैसा कहाँ से आता है? पेटीएम पे नहीं, 10 रुपया बचा लगा वो। अच्छा पेटीएम पर क्या करें मोबाइल से? हाँ झूठा बोल, झूठा बोल है, इसने पैसा नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं अंदर। तो मैंने कहा कि अब ठीक है ना, तो बोल देंगे हाँ ठीक है। और मैंने मोबाइल को पानी से भेज भी दिया था। तो चलो मत्था टेकने तो चलते हैं, और मत्था टेक कर आएंगे तो फिर खाएंगे जो खाना होगा, ठीक है। गमछा तो आ रहा मेरे पास, रहे गल तो सामने यही है, निकाल ले जा। तो पहली बार मैं यहाँ हूँ गुरुद्वारे में, क्योंकि एक बार जलेबी छानने गया था और दूसरी बार यहाँ। देखो इतना ज़्यादा यहाँ पे सफाई है ना, पर ठीक है ये यार। पैसा भी नहीं यार लिया हूँ, चलो कोई बात नहीं, मत्था बस टेक लूँगा और ऐसे टेक कर चलाऊँगा। और यहाँ पे एसी भी लगी है।